Hello class, how are you? Hope all of you are fine. Today is your maths class, so all of you take your books and open page number 38. पिछले क्लास में मैंने आपको प्लेस वैल्यू असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में पढ़ाया था. आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ाऊंगी. ओके, थ्री डिजिट नंबर्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में. व्हाट मेक्स 645? ओके, हाउ कैसे बनता है 645? ओके, हमने बोला 645, हमें जैसे पता है प्लेस वैल्यू के बारे में, टी फॉर टेंस एंड जीरो फॉर ओ फॉर वंस. ओके, इसका क्या प्लेस होता है? 100, 10 एंड 1. जब यहाँ पे मैंने बोला 645 कैसे बनेगी, व्हाट मेक्स 645, 645 यहाँ पे 10, 6, 4, 5, ठीक है. 100 इंटू 6 इज इक्वल टू 600, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5. इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है. सी 640 प्लस 5, सबको क्या करना है, प्लस करना है. 0, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 5, 5, 0 प्लस 4, 4, 6 का 6, ये क्या हो गया, 645 हो गया. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं. इसको हम जब विस्तार से बताते हैं, खोल के बताया, जैसे मैंने इसको बताया पूरे प्रॉपर वे में, तो इसको क्या बोलते हैं, हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं. ओके, सपोज नाउ जैसे हमें पता है कि 100 टेंस वंस, सबका क्या वैल्यू है, 100, 10 और 1. ओके, जब हम 468 लिखते हैं तो क्या होगा, एच टी ओ 468, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 400 है तो 100 को किससे इंटू करेंगे, 4 को, तो क्या हो गया 400. 6 को किससे इंटू करेंगे, 10 से, तो क्या हो गया 60 हो गया. 8 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो गया, 8 हो गया. तो यहाँ प्लस करेंगे, 400 प्लस 60 प्लस 8, तो क्या हो गया, प्लस किए तो 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 8, 8, 0 प्लस 6, 6, 4 का 4, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं. ये क्या है, 235. इसको हम कैसे लिखेंगे, 200, क्योंकि हमें सबका वैल्यू पता है, ठीक है, प्लेस वैल्यू पता है. 200 प्लस 30 प्लस 5, इसको आप क्या करोगे, प्लस करोगे, सॉरी 30 प्लस 5, 0 प्लस 0, 0, 0, 0 प्लस 5, 5, 0 प्लस 3, 3, 2, 235 आंसर आपका. इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे. जब हम इसको फैला के बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं. ओके, नाउ सपोज अब मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ, क्लियर. शॉर्ट फॉर्म, एक्सपेंडेड का मतलब क्या हुआ, पूरा विस्तार से बताना. जैसे 600 प्लस 30 प्लस 2, इसको आप जोड़ोगे, कैसे प्लस करोगे, क्या हो जाएगा, 632. ओके, जब आपने इसको प्लस किया तो क्या हुआ, 632 आंसर आएगा. जब 632 हम इस ढंग से लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं. इस मैंने डिजिट को क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया. जब मैं डिजिट फैला दिया तो मैं ये क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया.
जब एक्सपेंडेड फॉर्म को छोटा करके लिख दिया मैं एक वर्ड में बोला हुआ, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। इज दैट क्लियर? ये आपको बनानी है, क्लियर? 04 इज द सी, 043 इज द सेम एज द नंबर ऑफ 343। यहाँ पे आपका जो 043 है इसको हम क्या बोलते हैं, 43 बोलते हैं। इन अ थ्री डिजिट नंबर वी डू नॉट यूज जीरो इन द 100 प्लेस। थ्री डिजिट नंबर में अगर आपका जीरो 100 प्लेस में आपका जीरो है तो उस प्लेस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। अ थ्री डिजिट नंबर विद जीरो इन द 100 प्लेस इज एक्चुअली टू डिजिट नंबर। आपको यहाँ पे देखिए, अगर जहाँ पे 100 प्लेस वैल्यू में, सी 100 प्लेस वैल्यू में लिखा हो 032, तो इसको हम 100 प्लेस ना मान के इसको हम क्या बोलते हैं, टू डिजिट नंबर ही बेसिकली बोलते हैं। तो समझ में आ गया, इसको हम कभी भी 100 में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्लियर? एडिशन बाय काउंटिंग अ चार्ट, 1 + 9 इज इक्वल टू 10, 1 + 9 इज इक्वल टू 10, 2 + 8 = 10। इस तरह से आपको बनानी है चार्ट, काउंटिंग बाय अ चार्ट, ओके। 11 - 6 इज इक्वल टू 5। सबका रिलेशन देखिए, 11 - 6 हो गया क्या आपका 5, यहाँ पे भी है 11 - 6 इज इक्वल टू 5, 5 + 6 कितना हो गया 11 हो गया, 11 - 5 क्या 11 हो गया। कितने भी हम आपस में ये करें, एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, सी 11 - 6 इज इक्वल टू 5, 11 में से 6 गया तो कितने हो गए 5, 6 + 5 किए तो क्या हुआ 11। तो रिलेशन क्या है, सो दोनों का सेम है, आंसर हमारा सेम आ रहा है। माइनस इधर देखिए आप, 11 - 6 इज इक्वल टू 5, 11 - 6 इक्वल टू 5, 11 - 5 इक्वल टू 6। इसी तरह आपको बनानी है, ओके। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 और 40 आपको बनानी है। राइट डाउन योर होमवर्क। डू पेज नंबर 38, 39 एंड 40, ओके। डू पेज नंबर 38, 39, 40, क्लियर? That's for today. Thank you.